मुरादाबाद में शनि धाम देवस्थान विकास ट्रस्ट द्वारा शनि अमावस के उपलक्ष्य में 5 जनवरी 2019 को ग्राम दौलतपुर जलेसर रोड स्थित शनि धाम मंदिर पर फूल बंगला एवं भजन संध्या का आयोजन किया जा रहा है। उक्त जानकारी वार्ता के दौरान देते हुए मोहित दत्त बंसल, पंकज दत्त बंसल, ईशान दत्त ने संयुक्त रूप से बताया कि इस दिन सर्वप्रथम प्रातः 10 बजे प्रभु जी की पालकी यात्रा ग्राम दौलतपुर से शुरू होकर ककरूकोटी होकर मंदिर पर आकर समाप्त होगी। इसी दिन प्रभु का 3 किलो चांदी का चेहरा एवं मुकुट का निर्माण कराया गया है, जो कि उस दिन प्रभु को अर्पित किया जाएगा। कार्यक्रमों की श्रृंखला के बारे में आगे बताया कि मथुरा से आए फूल वालों द्वारा फूल बंगला सजाया जाएगा। माता रानी जागरण पार्टी द्वारा भजन संध्या का आयोजन किया जाएगा, जिसमें दिल्ली हाथरस मथुरा से कलाकार आकर अपनी प्रस्तुति देंगे। लगभग 50,000 धर्म प्रेमी उक्त कार्यक्रम में सम्मिलित होने की संभावना है। इस प्रेस वार्ता के माध्यम से प्रशासन से अपील की कि उचित प्रशासनिक व्यवस्था का इंतजाम किया जाए, जिससे किसी भी प्रकार की असामाजिकता न फैले। हमारी ज्यादा से ज्यादा लोगों से अपील है कि उक्त कार्यक्रम में शामिल होकर धर्म लाभ उठाए। वार्ता के दौरान आयोजकों में मोहित दत्त बंसल, पंकज दत्त बंसल, ईशान दत्त के साथ कौशल मित्तल, पुलकित जैन, विशाल गुप्ता, नाथूराम बघेल, सिया राम, मुलायम सिंह बघेल आदि लोग उपस्थित रहे। फिरोजाबाद से गौरव राठौर की रिपोर्ट, SKH न्यूज। सर, ये दिनांक 5 जनवरी 2019 को दिन शनिवार को शनि अमावस का पावन पर्व पड़ रहा है। उस दिन हमने शनिदेव जी का जो वहाँ पे दौलतपुर ग्राम दौलतपुर जलेसर रोड फिरोजाबाद पे जो मंदिर हम लोगों ने स्थापित कराया हुआ है, उस पर हम लोगों ने सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया हुआ है। वहाँ पर सुबह 9 बजे प्रभु जी की पालकी यात्रा निकाली जाएगी, जिस पालकी यात्रा में उस दिन सर्वप्रथम हम प्रभु जी के ऊपर 3 किलो चांदी का एक चेहरा जो उनका हम लोगों ने बनवाया हुआ है उसका हम पदार्पण करेंगे। उसी मुकुट की और जो उनका चेहरा जो हम लोगों ने बनवाया हुआ है उसकी पालकी यात्रा निकाल रहे हैं। वो पालकी यात्रा दौलतपुर ग्राम में होते हुए ककरोकोटी चौराहे से होते हुए मंदिर पर आके समाप्ति होगी। तत्पश्चात हम लोगों ने फूल बंगला का भव्य आयोजन किया हुआ है, जो कि वृंदावन से कलाकार आ रहे हैं उसको सजाने के लिए फूल वाले, और भजन संध्या का हम लोगों ने कार्यक्रम रखा हुआ है। भजन संध्या कार्यक्रम करने के लिए माता रानी जागरण पार्टी फिरोजाबाद की तरफ से वहाँ जागरण पार्टी का आयोजन करा जा रहा है, जिसमें कि जो कलाकार आ रहे हैं वो सब दिल्ली, मथुरा, हाथरस इस विभिन्न स्थानों से आ रहे हैं, जो कि अपनी प्रस्तुतियाँ वहाँ पर देंगे। उसके पश्चात वहाँ पर भंडारे का भी व्यवस्था हम लोगों ने करी हुई है। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से मेरी आप सबसे अपील है, प्रशासन से अपील है, कृपया उचित व्यवस्था प्रशासनिक व्यवस्था बनाए रखने के लिए हम लोगों की मदद करें। वहाँ प्रॉपर तरीके से पूर्ण रूप में हम लोगों को पुलिस व्यवस्था वहाँ पर करा कर जैसे किसी भी तरह की असामाजिक तत्वता नहीं फैले। बाकी मेरा इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से सभी श्रद्धालुओं से मेरा निवेदन है, कृपया वहाँ पर आएँ और धर्म लाभ लें, प्रभु के दर्शन करें, और कृपया करके आप सबसे निवेदन है, कृपया हमें कार्यक्रम सफल बनाने में हम लोगों की मदद करें।